मीडिया के सवालों पर बौखलाए कांग्रेसी नेता का सरकार मुझे दूसरा आजम खान ना बनाए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश सचिव और बिल्डर सचिन चौधरी पर हुए मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन में दर्ज हुए मुकदमे के बाद उक्त कांग्रेसी नेता बौखला गए और कैमरों के सामने ही चिल्लाते हुए कहने लगे कि सरकार उसे दूसरा आजम खान ना बनाए। दरअसल सिविल लाइन इलाके की रहने वाली बीना नाम की महिला ने एसएसपी प्रभाकर चौधरी के सामने पेश होकर कांग्रेसी नेता की पारिवारिक आराध्यम नाम की कंपनी में 3 लाख रुपए मकान देने के नाम पर डिपॉजिट करने का हवाला देते हुए सचिन चौधरी के खिलाफ कल शाम धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है, जिस पर सफाई देने के लिए आज कांग्रेसी नेता सचिन चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई पेश की। उनका कहना था कि उन्होंने आराध्यम नाम की कंपनी 2018 में ही सील कर दी थी, लेकिन मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पे वो बौखला गए और मुकदमा दर्ज करने पर कहने लगे कि पुलिस कोई भगवान तो है नहीं जो वो मामले को समझेगी। और तो कांग्रेसी नेता बहाव में आकर यहाँ तक कह गए कि वो खुद आराध्यम कंपनी के मालिक के खिलाफ खुद मुकदमा दर्ज कराने को तैयार हैं। उनका इतना कहना था वो फिर से मीडिया के निशाने पर आ गए। नेताजी ये भूल गए कि कंपनी की मालिक तो उनकी पत्नी आभा चौधरी ही हैं। वही इसी मामले में जब एसपी सिटी अमित आनंद से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत पर सचिन चौधरी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस इस मामले की जाँच के बाद विधिक कार्यवाही की बात कह रही है। मेरा कहना ये है, ना तो मैं किसी कंपनी में हूँ, ना मैंने किसी से पैसे लिए हैं। इसकी जांच कराई जाए, इस तरह के झूठे मुकदमे करके हमें बदनाम ना किया जाए। मैं इसकी जांच की मांग करता हूँ और जिन्होंने भी ये कृत्य किया है उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई हो, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ इसलिए मुझे बदनाम किया गया। आज सुबह मैंने पेपर पढ़े, किसी ने कहा कि 3 लाख रुपये किससे लिए गए। मैं अपने सारे अकाउंट नंबर सार्वजनिक करने को तैयार हूँ, लेकिन जिन्होंने दिए हैं वो भी अपने सार्वजनिक तैयार हो जाएँ देने के लिए। और मुझ पे मुकदमे लगाने कोई लाभ होगा नहीं, क्योंकि हम पे कुछ है नहीं, ये कुछ साबित भी नहीं कर पाएंगे। सही से जांच करा लें, मैं किसी कंपनी में नहीं। मेरे नाम कोई कंपनी हो तो मुझे एक भी कंपनी खोल के दिखा दो आप। आराध्यम में पहले आप थे? 2018 को मैंने कंपनी से रिजाइन कर दिया था, उसके बाद से मेरा आराध्यम से कोई मतलब नहीं है। और रही बात जब आप किसी कंपनी को छोड़ देते हैं, बेच देते हैं या उसमें नहीं होते हैं, तो वो कंपनी की जिम्मेदारी होती है, उनके प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी होती है। आईडी मिलाओ। जी जी। तो ये सब झूठे मुकदमे मुझ पे लगाए जाते हैं, पहले भी झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, हम इनसे नहीं डरते हैं। और इसकी सही से जांच हो, सही से जांच होके दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अपनी गलतियाँ छिपाने के लिए दूसरे पर ठीकरा ना फोड़े भारतीय जनता पार्टी। मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, पता नहीं किसके दबाव में ये काम हुआ है, उन सबको मेरी चेतावनी है। इनके तो खुद के जिलाध्यक्ष मुख्यालयों में बच्चियों को बुला बुला के बलात्कार कर रहे हैं, उनकी वीडियो वायरल हो रही है। उसके अलावा बिलारी के एक नेता हैं जिनका खूब ऑडियो वायरल हो रहा है, उनके पर तो 151 मीन लगी बलात्कार की, तो आप धारा छोड़ दीजिए। और हम पे आप सुबह सुबह मुकदमा लिख, रात को मुकदमा लिख दे रहे हैं किस टाइम, बिना जाँच कराए। अरे जाँच कराइए कि किसका मुकदमा है, कौन सी कंपनी है। और मैं तो सुबह पढ़ के बड़ा ताजुब हो गया कि वो लिखा है कि 3 लाख रुपये मुझे दिए, कौन से खाते में दिए सार्वजनिक करो। अगर मुझे दिए तो मैं वापस दूंगा, लेकिन अगर मुझे नहीं दिए तो माफ़ी मांगी जाए इस बात के लिए जिसने भी कार्य कराए हैं। ये एक महिला ने प्लॉट खरीदने के लिए पैसे दिए थे, जिसके बाद उसे नहीं मिला। उस बिल्डर के ऊपर इसने धोखाधड़ी के आरोप लगाए, जिसके संबंध में थाना सिविल लाइन पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो आरोपी सचिन चौधरी को बताया गया है, इसमें पुलिस जांच कर रही है, जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी।